SBS News, सच का साथी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABPS News, ग्रहों का किस्मत कनेक्शन, और मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु पंडित महेंद्र प्रताप, भैया दूज स्पेशल। भैया दूज इस बार जो पढ़ रहा है वो आपका 9 नवंबर 2018 के दिन पढ़ रहा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि अर्थात जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं, इस दिन भैया दूज मनाने की प्रथा है। भाई बहनों का ये असीम पर्व, प्यार का पर्व, समर्पण का पर्व, ये इस बार 9 नवंबर 2018 को पड़ रहा है। तो आइए हम यहां ये जानते हैं कि ये पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का पौराणिक मत क्या है, साथ ही साथ ये पर्व किस तरह मनाना चाहिए ताकि भाई और बहन का ये जो अटूट पर्व है ना, ये बहुत प्यारा रह पाए। ठीक, तो ये पर्व इस बार 9 नवंबर को तो पड़ ही रहा है, और हम आपको यहाँ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसका शुभ समय क्या होगा। क्या शुभ समय होगा? जिस समय बहन जो है वो अपने भाई को तिलक करेंगी, क्योंकि ये पर्व बहन अपने भाई की उज्जवल भविष्य के लिए, प्यार के लिए, मधुरता के लिए, समर्पण के लिए और उस अटूट रिश्ते के लिए रखती हैं। तो हम आपको यहाँ ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये पर्व आप किस प्रकार मनाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, कर रहा हूँ कि ये पर्व जो है किस लिए मनाया जाता है, इसके पीछे का पौराणिक मत क्या है। इस दिन जो मृत्यु के देवता हैं यम महाराज, वो अपनी बहन यमुना जी के पास अर्थात यमी माता जिन्हें हम कहते हैं, उनके पास गए थे और उनके स्वागत में उनकी बहन ने उनका तिलक किया था। जो सूर्य महाराज के पुत्र हैं यम जी, वो जब अपनी बहन के पास गए तो उनकी बहन ने उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया, उनको बिठाया और तिलक किया। तब से ये प्रथा जो है वो मनाई जाती है। एक मत ये भी है कि श्री कृष्ण जी ने जब नरकासुर का वध किया था, तब जब वो अपनी बहन के पास गए थे तो उनकी बहन ने उनको तिलक किया था, तब से ये प्रथा मनाई जाती है। तो ये पर्व जो है वो बहन और भाई के अटूट प्रेम का पर्व है। हम आपको आज ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से किस प्रकार आप ये जान सकते हैं कि आपका अर्थात भाई एवं बहन का जो रिश्ता होता है, अगर उसमें किसी प्रकार की कटुता है या वो रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो उसके पीछे ग्रहों का क्या कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारे शो का ही नाम है ग्रहों का किस्मत कनेक्शन। तो ऐसा क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से आपका और आपकी बहन के संबंध या आपके भाई से आपके संबंधों में कटुता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके और आपके भाई के बीच में संबंध किसी भी प्रकार से खराब है या उनमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, तो वो सही हो पाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब की बार 9 नवंबर 2018 के दिन, यानी कि कृष्ण पर क्षमा जाऊंगा, अब की बार जो ये पर्व 9 नवंबर 2018 को मनाया जा रहा है, यानी कि यम द्वितीया को, उसका शुभ समय क्या है। ये शुभ समय जो है वो दोपहर 1:09 से लेके 3:17 दोपहर तक का रहेगा, यानी कि 2 घंटा 8 मिनट का ये समय जो है ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में शुभ समय है। किस प्रकार से बहनें जो हैं वो अपने भाई को तिलक करेंगी, ये सारी विधि हम आपको बताएंगे। तो अब शुरू करते हैं कि किस तरह से बहनें जो हैं वो अपने भाई का तिलक करेंगी। सबसे पहले भाई और बहन इस दिन प्रातःकाल सुबह के समय स्नान से निवृत्त होके बहनें जो हैं वो एक थाली सजा लीजिए। थाली में अक्षत अर्थात चावल, रोली, फूल और साथ ही साथ एक रुमाल यानी कि सिर ढकने के लिए कपड़ा, ये ले लीजिए। और घर के पूजा स्थान पे जो बताया हुआ समय है उस दौरान अपने भाई के साथ वहाँ बैठ जाइए। वहाँ पे सबसे पहले आप गणेश जी का तिलक करिए, माता लक्ष्मी का तिलक करिए, क्योंकि दीपावली का टाइम चल रहा है। ठीक है, दीपावली का सबसे आखिरी पर्व होता है, 5 दिन की जो ये श्रृंखला होती है उसमें भैया दूज जो है वो सबसे लास्ट में आता है, दीपावली के एक दिन छोड़ के। तो इस दिन सबसे पहले आप
भगवान का तिलक करिए, उसके बाद अक्षत एवं रोली को हल्का सा पेस्ट बना के घोल लीजिए और अपने भाई साहब का तिलक करिए। भाई का तिलक करते समय बहनें जो हैं वो ईश्वर से कामना करेंगी कि मेरे भाई के ऊपर जो भी विपदा है या जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगी, साथ ही साथ आपका संबंध जो है वो प्रगाढ़ रहे ये कामना करेंगी। इसके साथ ही साथ जो भाई होते हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि इस दिन वो अपनी बहनों को उपहार के रूप में वस्त्र इत्यादि धन अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर दें। इससे क्या है कि इससे अगर आपकी कोई भी आर्थिक तंगी चली आ रही है, आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ी हुई है, तो वो आर्थिक स्थिति जो है वो दूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो संबंध होता है ना उस पे किस ग्रह का स्वामित्व होता है, वो ग्रह होता है मंगल, और आपके जो भाई बहन के रिश्ते को जो बताता है वो ग्रह भी मंगल है। हमने यहाँ पे ये बात करी थी कि कुंडली से अर्थात ज्योतिष के माध्यम से ये हम कैसे जानेंगे कि आपके और आपके भाई के बीच के जो संबंध हैं वो खराब है। कुंडली में तीसरा भाव और ग्यारहवां भाव भाई बहन को बताता है। अगर आपकी कुंडली में यानी कि आपकी जिंदगी में अगर आपका छोटा भाई है या छोटी बहन है, आप बड़े हैं, तो वो हम तीसरे भाव से देखेंगे, और अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो वो हम एकादश भाव यानी कि ग्यारहवें भाव से देखेंगे। अगर एकादश भाव यानी कि ग्यारहवें भाव का स्वामी आपकी जन्म पत्रिका में, ये खोल के देखिएगा, अगर ग्यारहवें भाव का स्वामी आपकी जन्म पत्रिका में नीच राशिगत है या अपने से बारहवें गया हुआ है, यानी कि ग्यारहवें का स्वामी दशम में आके बैठा हुआ है, वहां विराजमान है, या वो नीच राशिगत है, या ग्यारहवें भाव में सूर्य का कहीं से भी कनेक्शन बन रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो पृथक्तावादी ग्रह है, चीजों को मिलने में पृथक कर देते हैं। तो हम यहां बात किसकी कर रहे हैं? हम यहां बात संबंधों की कर रहे हैं, भाई और बहन के असीम प्यार की बात कर रहे हैं, समर्पण की बात कर रहे हैं। तो उस संबंधों में कहीं ना कहीं से दूरियां आने लगती हैं। अगर इस भाव का स्वामी अर्थात जो वहां पर राशि पड़ रही है, जो भी ग्रह है, वो ग्रह अगर नीच राशिगत है तो जाहिर सी बात है कि आपके संबंधों में दूरियां आएंगी ही आएंगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण भाव कि अगर कुंडली में तीसरा भाव और ग्यारहवें भाव का संबंध कहीं ना कहीं राहु से बनता है, तो ये मैंने बहुत देखा है और इस पर शोध भी किया है, और ऐसा ये अमूमन देखने को भी मिलता है कि कहीं से अगर राहु का संबंध तीसरे भाव और ग्यारहवें भाव से बन जाए तो संबंधों में दिक्कत आने लग जाती है। तो ये तो बात हो गई ज्योतिष की। किसी और दिन हम ये जरूर चर्चा करेंगे कि कुंडली में भाई और बहन का जो रिश्ता अगर गड़बड़ा रहा है तो उसको किस प्रकार से ठीक करेंगे। फिलहाल अभी मैंने एक मोटे तौर पे आपको ये बताने की कोशिश करी कि आखिर आप अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं। और ये भैया दूज भी बहुत स्पेशल है। तो भैया दूज में जिस समय, जो मैंने आपको समय बताया, जो समय है दोपहर के 1:09 से लेकर 3:17 तक का, ये जो समय है जिसमें आप अपने भाई का तिलक करेंगे, उस दौरान आप एक उपाय भी कर सकते हैं। ये भाई भी कर सकते हैं और बहनें भी कर सकते हैं जिनके भी संबंधों में दिक्कत है। करना क्या है कि एक शहद की शीशी ले लीजिए और एक सफ़ेद पेपर ले लीजिए, अगर पीला पेपर मिल जाता है चार्ट पेपर तो बहुत ही अच्छा है। अनार की कलम से रोली का जो आप पेस्ट बनाएंगे जिससे आप तिलक करेंगे, वो तिलक उस दिन अभिमंत्रित हो जाता है। क्यों? कि सर्वप्रथम आप ईश्वर का तिलक कर रहे हैं। ठीक, उसी तिलक से पेस्ट बनाने के बाद अनार की कलम से अपने भाई एवं बहन का नाम उस कागज पे लिखिए, जो पीला कागज है ना उस पे अपने भाई एवं बहन का नाम लिखिए। उसके बाद जब वो हल्का सा सूख जाए तो उसको फोल्ड करके उसी शहद की शीशी में डुबो दीजिए, और शिव मंदिर में जहाँ शिव जी एवं माता पार्वती हों वहाँ ऐसे शिव मंदिर में जाइए और उनके चरणों में ये शहद की शीशी अर्पित कर दीजिए। अगर शीशी की शीशी होती है, कांच की शीशी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, वहाँ पे जाइए और ये अर्पित करिए, और वहीं पे ही भगवान शिव एवं माता पार्वती के चरणों में फूल अर्पित करिए और ये प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे महापार्वती, हे शिवजी,
मेरे भाई या मेरी बहन से जो मेरे संबंधों में दिक्कतें हैं या दूरियां हैं, वो दूरियां आज इस पर्व पे समाप्त हो जाए, मेरे और उनके संबंध बहुत निकटता हो जाए, उसमें बहुत ही ज़्यादा मधुरता आ जाए। बचपन में ये एक ऐसा संबंध है ना कि बचपन से ही हम अपने भाई के प्रति या बहन के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है, समर्पण का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है। चाहे बहन की शादी हो जाए या बहन कुंवारी भी है तो हम अपने बहन के प्रति और भाई के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ही विशाल रिश्ता है। इस रिश्ते की धरोहर को बना के रखना है, इसीलिए जो आपको उपाय बताया है वो उपाय भी करिए। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि इस दिन यम महाराज की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि पौराणिक मत है कि इस दिन जो आपके यम महाराज थे वो यमी देवी के पास यानी कि अपनी बहन के पास गए थे और उनकी बहन ने उनका स्वागत किया था, तिलक लगाया था, ठीक है, स्वागत किया था। तो इस दिन अगर आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आपको करना ये है, भाई धनतेरस को तो आपने ये कार्य किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो आप इस दिन भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक मिट्टी का कलश ले लीजिए, मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल भर लीजिए। जल भरने के बाद उसके ऊपर दियाली रखिए, दियाली रखने के बाद आप उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाइए और यम महाराज से और यमी माँ देवी से ये प्रार्थना करिए कि जिस प्रकार से आप दोनों भाई बहन का रिश्ता अटूट है, समर्पण का रिश्ता है, उसी प्रकार से मेरा और मेरी बहन का या मेरे भाई का रिश्ता अटूट रहे, समर्पण रहे, भावनात्मक संबंध रहे। इसी के साथ आप सभी को भैया दूज पर्व की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से शुभ समय नोट कर लीजिए, शुभ समय होगा दोपहर के 1:09 से लेके 3:17 तक। ये समय अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक है, ये शुभत्व समय है। इस समय तिलक करना बहुत ही ज़्यादा उचित होगा। इस समय अपने भाई का तिलक करिए, भैया दूज पर्व मनाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।